नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जहो एकेडमी में। आज हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे और अगला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी अपवाह तंत्र हैं वहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारे वीडियोज़ थे जिनमें हमने हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी, जिसमें तीन प्रमुख अपवाह तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों के बारे में हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इन सब के अलावा भारत का भौतिक विभाजन और उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। तो सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आप यहाँ पर आएँ ताकि आपको आसानी से सब कुछ क्लियर हो सके जो कुछ भी हम बताएँ। आज हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ। उनमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा नदियों की अवस्थाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे आपको कि क्या है इसके। उसके बाद फिर हम देखेंगे नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियां हैं, मुख्य जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, थोड़ा थोड़ा सारी नदियों के बारे में जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दोनों को कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए कि क्या क्या दोनों में भिन्नताएं हैं, कैसे अलग हैं दोनों तंत्र, जो हिमालयी अपवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हैं, और दोनों को डिफ्रेंशिएट उनको तुलना करते हुए हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं इसमें। ये जो मैंने मैप बनाया है ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, और प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी, वैसे तो यहाँ पे हजारों नदियाँ हैं, हजारों सैकड़ों नदियाँ यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, हजार सैकड़ों अपवाह तंत्र भी हैं, लेकिन हमें जिनके बारे में पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। मुख्य जो नदियाँ हैं, मैंने अभी कोई भी मार्क नहीं की हुई है कोई सी भी नदी, मैं जब आगे बढ़ूँगा पढ़ाता जाऊँगा तब मैं एक एक वन बाई वन मार्क करते जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। अगर हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को देखें तो इसको दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली नदियाँ, और दूसरा जो होगा वो होगा अरब सागर में विसर्जित होने वाली नदियाँ। इन दो दृष्टि से हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो उनमें जो मुख्य हैं वो हैं दामोदर, ये जो है ये हुगली नदी है, तो दामोदर किस में मिल जाती है, हुगली में, तो ये दामोदर है और ये हुगली है, यानी कि हुगली, दामोदर, उसके बाद स्वर्णरेखा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, उसके बाद ये जो है ये महानदी, महानदी के बाद है गोदावरी, गोदावरी के बाद है कृष्णा, कृष्णा के बाद जो है ये पेन्नार, पेन्नार के बाद है कावेरी, और कावेरी के बाद है बेगई। ये सारी नदियाँ मैंने आपको उत्तर से दक्षिण में बताया, मार्किंग में बाद में करा दूंगा तो आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सारा कुछ लिखा भी दूंगा, अभी आप केवल सुनते जाइए कि मैं क्या क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिर से बता देता हूँ, हुगली और दामोदर, फिर है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद है बेगई, और अगर हम अरब सागर में गिनने वाली मुख्य नदियों की बात करें तो उसमें यहाँ से साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चार यहाँ पे मुख्य हैं, और यहाँ पे एक है पेरियार नदी, और भी अगर एक आध कोई होगा तो मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो देखते जाइए सारा कुछ लास्ट तक। सबसे पहले मैंने आपको जल विभाजक के बारे में जानकारी दी थी पिछले वीडियोस में, तो अपवाह तंत्र को अलग करने वाली संरचना किन्हीं भी दो नदियों या किन्हीं भी दो अपवाह तंत्र को अलग करने वाली संरचना को हम जल विभाजक के रूप में देखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें उनको ताकि आपको एक क्लियरिटी हो सके अच्छे से। और मैंने एक मैप में भी आपको एक जल विभाजक रेखा बताई थी कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों है उनके अपवाह तंत्र को एक जल विभाजक के रूप में उस रेखा को हम देख सकते हैं। ठीक है, नदी द्रोणी और जल संभर क्षेत्र, इन दो के बारे में और आप जान लीजिए। एक है नदी द्रोणी और जल संभर, ठीक। तो नदी द्रोणी या नदी तंत्र हम तब बोलेंगे जब किसी बड़ी नदी का अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी नदी है जैसे कि सिंधु नदी मान लो या गंगा नदी मान लो, उसकी कई सहायक नदियां, ठीक है ना,
तो इसको क्या बोलेंगे कि नदी द्रोणी, ठीक है ना, उसके जल ग्रहण क्षेत्र को पूरे को नदी द्रोणी बोलेंगे। और छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जो छोटी नदियां हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, उनके जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, अपवाह भी ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम जल संभर बोल सकते हैं। ठीक है, नदी नालों के अपवाह क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं। ये दो शब्दावली हैं, सबसे पहले आपको बता दें ताकि अगर हम आगे यूज करें तो आसानी से आपको क्लियर हो सके, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हेडिंग है वो है नदी की अवस्थाएं। ये मैंने आपको प्रतिरूप के बारे में तो जानकारी दी थी, मैंने नदियों के अपवाह तंत्र के प्रतिरूप के बारे में आपको जानकारी दी थी, बताया था कि प्रतिरूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से उनमें पैटर्न हो सकते हैं, सारा कुछ आपको बताया था, उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब हम नदियों की अवस्थाओं की बात करेंगे, क्योंकि नदी जब निकलती है जहाँ से उसका उद्गम है और जहाँ पे उसका विसर्जन है, उद्गम से लेके विसर्जन तक ये तीन अवस्थाओं से होके गुजरती है, या हमने उद्गम से लेके विसर्जन तक नदी को तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है, जिनमें आप देख सकते हैं नदियों की अवस्थाओं में पहला जो है वो है युवा अवस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, और तीसरा जो है वृद्धावस्था। ठीक, थोड़ा सा नदियों की जो अवस्थाएं हैं उनमें इन तीन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो युवा अवस्था में क्या होता है, नदी की गति तेज होती है। जब कोई नदी, पहले मैं इसको रफ कर दूँ अच्छे से, युवावस्था में क्या होता है कि नदी के प्रवाह की गति तेज होती है। जब कोई नदी किसी पर्वत से निकल रही होती है या किसी स्थान से निकल रही होती है, मान लो यहाँ से नदी निकल दी है, तो क्या होगा, उसके प्रवाह की गति तेज होगी। प्रवाह की गति के साथ साथ क्या क्या होता है, गति में वेग में तेजी। दूसरा क्या होता है, अपरदन भी अधिक होता है। ठीक, क्योंकि गति ज़्यादा होती है, और अपरदन कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है, यानी कि ऐसे इस तरीके से ऊपर से नीचे। ठीक, और इसी में क्या होता है, घाटियों का निर्माण होता है। जब नदी क्या करती है, जब यहाँ से गिरती है पहाड़ से या किसी पर्वत से, नदी जब अपने उद्गम से नीचे गिरती है तो यहाँ पे घाटी का निर्माण करती है। ठीक, जब यही घाटी अधिक गहरी हो जाती है तो ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है, भी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, युवावस्था में भी आकार की घाटी का भी निर्माण करती है। ठीक, इस तरीके की स्थलाकृति देखने को मिल सकती है युवा अवस्था में, जब यही भी आकार की घाटी क्या होती है, और गहरी हो जाती है। ठीक, इस तरीके से कुछ और गहरी हो जाती है तो क्या बन जाता है, एक इसको हम गार्ज बोलते हैं, गार्ज। ठीक है, तो इसकी युवा अवस्था होती है नदी की, और जब वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, ठीक है ना, थोड़ा उसको देख लीजिए, प्रौढ़ावस्था में जो हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं नदी के प्रौढ़ावस्था में, वो है बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, अभी मैं समझाता हूँ, और नदी विसर्ग। चूंकि नदी की प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, नदी के वेग की गति कम हो जाती है। ठीक है ना, वेग की गति से कम होने से क्या होगा कि ये कोई नदी है, ये कोई नदी है जो अपने प्रौढ़ावस्था में कुछ इस तरीके से बहते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो युवावस्था में वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। प्रौढ़ावस्था में अपरदन तो होता है, लेकिन कैसा होता है, प्रौढ़ावस्था में क्षैतिज अपरदन होता है। कैसा होता है, क्षैतिज अपरदन। युवावस्था में ऊर्ध्वाधर अपरदन हो रहा था, इसमें क्षैतिज अपरदन होता है। ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ। नदी की प्रौढ़ावस्था में
क्षैतिज अपरदन होता है, ठीक। क्षैतिज अपरदन कैसे, मतलब यहाँ से नदी, जब का नदी ऐसे जा रही है इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ से क्या करेगी, अपरदन करते हुए आगे बढ़ेगी, फिर इस साइड अपरदन करेगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से उसका अपरदन होता है, इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरीके से अपरदन करते हुए आगे बढ़ती है नदी अपनी प्रोणावस्था में, और वेग की वेग भी इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, क्षैतिज अपरदन करेगी तो क्या होगा, नदी की चौड़ाई बढ़ेगी ना, इससे क्या होता है, नदी की चौड़ाई में वृद्धि होती है, नदी की चौड़ाई में वृद्धि, ठीक है ना। चौड़ाई में वृद्धि होने से क्या होगा, नदी का आयतन बढ़ जाएगा, नदी का जो वॉल्यूम लेवल है या जो आयतन है उसमें भी वृद्धि होगी, आयतन, ठीक है ना। आयतन बढ़ने से क्या होगा, जब नदी का आयतन बढ़ जाएगा, नदी चौड़ी हो जाएगी, तो उसके फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेग में कमी आ जाएगी, ठीक। वेग में कमी से क्या होगा कि जो अवसादों का ये अपने साथ अवसाद बहा के ला रही है उसके निक्षेपण करना शुरू कर देगी, तो ये सारी क्या है, बातें हैं जो हमें प्रोणावस्था में देखने को मिलती हैं, नदी का, नदी की प्रोणावस्था में। मैं आगे बताऊंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र हैं उसमें जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां क्या हैं, अपनी प्रोणावस्था में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, नदी विसर्ग करती हुई आगे बढ़ती है कुछ इस तरीके से, नदी की जो, नदी क्या होती है, नदी विसर्ग का निर्माण होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें प्रोणावस्था में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में स्थलाकृति का जिसका विकास होता है उसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, अधिकतर डेल्टाई क्षेत्रों का विकास करती है। नदी की गति एकदम कम हो जाती है जब कोई नदी किसी, ये नदी का उद्गम है, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद पहले युवावस्था, फिर प्रौणावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था किसी सागर झील या महासागर में नदी मिल जाती है, या किसी अन्य नदी में, जब किसी सागर या महासागर में नदी मिलती है तो नदी क्या करती है, लास्ट में आते 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 इसकी गति एकदम कम हो जाएगी, अपने साथ जितने भी अवसाद या मलबा जो लेके आएगी वो नदी अपने यहाँ का जो इसका अंतिम पड़ाव है वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देगी उसे, ठीक है ना। तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद और मलबे यहाँ पे जमाव शुरू हो जाएगा, उससे क्या हो जाता है, नदी का मैं आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जमा होगा, जैसे नदी की ये धारा है इसमें अवसादों का बीच बीच में निक्षेपण हो गया मलबे का, तो अवरोध उत्पन्न हो गया विसर्जन होने से पहले, तो अवरोध उत्पन्न होने से क्या होता है, नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, छोटी बड़ी, ठीक। और यहाँ पे मलबे का भी एक मलबे या अवसादों को एकत्रित कर देती है, इससे यहाँ पे जो स्थलाकृति बनती है उसे डेल्टा बोलते हैं, ये नदी की वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। तो वृद्धावस्था में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये नदी की अवस्थाएं हैं जिन्हें आपके बारे में, जिन्हें मैंने आपको बताया, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। हमने पहला पॉइंट जाना है, या जो हमने पहला पॉइंट मार्क किया था कि नदियों की अवस्थाएं, ये मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने आपको बताया, उसकी चर्चा की। अब जो नेक्स्ट हम मूव करेंगे आगे वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। प्रायद्वीपीय तंत्र का उद्विकास क्या मतलब है भाई, इसको क्यों पढ़ना है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या बताया था कि मुख्यतः जो मोस्टली जो यहाँ पे नदियाँ जो बह रही हैं वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की लगभग सारी नदियाँ, अगर हम दो अपवाद को छोड़ दें, नर्मदा और तापी, ठीक है ना, तो लगभग सारी नदियाँ कहाँ जा रही हैं, बड़ी बड़ी कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजर रही हैं। तो ये जो संरचना बनी सारी, ये जो अपवाह तंत्र का विकास हुआ, तो उसके बारे में हम जानेंगे उसके पीछे क्या कारण थे। तो तीन कारणों को चिन्हित किया हुआ है यहाँ पे कि उसके पीछे के तीन कारण हो सकते हैं। पहला क्या है भाई, पहला समझिए, पहला जो इसमें कारण है वो है
जो ये प्रायद्वीपीय तंत्र था, पहले समझ लिए फिर लिखवा दूंगा। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत था क्या हुआ टर्शरी युग में, आप लिख भी सकते हैं ऐसे कि टर्शरी युग में। मैंने आपको युगों के बारे में बताया था, महायुगों के बारे में बताया था, तो उसमें एक युग था टर्शरी। टर्शरी युग में क्या देखा गया कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग है इसमें अवतलन देखा गया। टर्शरी युग में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में क्या हुआ अवतलन, अवतलन या धसाव, अवतलन या धसाव देखा गया। ठीक, इससे क्या हुआ ये जो क्षेत्र है ये क्या हुआ समुद्र तल से नीचे चला गया। यह जो क्षेत्र है क्या हुआ समुद्र तल से नीचे चला गया, समुद्र तल से नीचे चला गया। ठीक है ना, ये वाला जो इसका भाग था यहाँ पे, ये वाला जो भाग था क्या हुआ कुछ भाग समुद्र तल से नीचे चला गया। अच्छा, समुद्र तल से नीचे जाने के बाद क्या कंडीशन हुई कि यहाँ का जो जल संभर क्षेत्र था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जल संभर क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ का जो जल संभर क्षेत्र था उसके दोनों ओर इधर और इधर क्या हुआ कि जो इसका संतुलन था अपवाहतंत्र में उसमें गड़बड़ी हो गई। ठीक, तो समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर, आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि समझ आ रहा है कि नहीं, जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर, दोनों ओर क्या हो गई भाई संतुलन में गड़बड़ी हो गई, किसके अब्बा प्रतिरूप के संतुलन में गड़बड़ी हो गई। या अब्बा तंत्र नहीं बोल सकते हैं टर्शरी युग में, हम बोल सकते हैं कि जो इसकी बनावट थी, ठीक है ना, बनावट थी उसके संतुलन में क्या हो गई गड़बड़ी हो गई। ठीक, पहला कारण ये तो था, पहला कारण। दूसरा कारण, ठीक, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं या आप सीधा लिख सकते हैं हेडिंग डाल के प्रायद्वीपीय तंत्र का उद्विकास, उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि टर्शरी युग में क्या हुआ प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम भाग में अवतलन या धसाव के परिणाम स्वरूप समुद्र तल के अवतलन या धसाव देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीधा लिख सकते हैं कि टर्शरी युग में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में अवतलन या धसाव देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो क्षेत्र है यह समुद्र तल से नीचे चला गया, और इससे क्या हुआ यहाँ का जो जल संभर क्षेत्र था उसके दोनों ओर क्या हुई उसकी बनावट या उसके संतुलन में गड़बड़ी हो गई। ठीक, पहला। दूसरा, इसको मिटाओ, दूसरा बताता हूँ, दूसरा और क्या लॉजिक देते हैं भूवैज्ञानिक। ठीक है, फर्स्ट आपने जाना, सेकेंड और देखिए उसके पीछे का कारण। सेकेंड, इसके उद्विकास का सेकंड, हिमालय का जब उत्थान हो रहा था, ये प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय खंड बोल सकते हैं, और यहाँ पे उत्तर में हिमालय है, तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय के निर्माण के समय प्रायद्वीपीय खंड और हिमालय के बीच अवतलन हुआ, धसाव हुआ। ठीक, धसाव से क्या हुआ कि यहाँ पे घाटी, भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, भ्रंश घाटियों का, ठीक, घाटियों या द्रोणियों का। इन्हीं भ्रंश घाटियों में नर्मदा और तापी जैसी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, इन्हीं भ्रंश घाटियों में नर्मदा और तापी जैसी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, और आज इन घाटियों में जो हम बोलते हैं कि नर्मदा और तापी में, तापी नदी में जलोढ़क या अवसादों की मात्रा कम पाई जाती है, उसका भी वजह यही है कि इन जो भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था हिमालय के उत्थान के समय। यानी कि आप इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें इस तरीके से लिख लीजिए कि हिमालय के उत्थान के समय क्या हुआ हिमालय के निर्माण के समय प्रायद्वीपीय खंड और हिमालय के बीच अवतलन हुआ या धसाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, और इन्हीं भ्रंश घाटियों में क्या है नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, और इसी कारण के या इसी परिणाम स्वरूप
इन घाटियों में या नर्मदा और तापी नदियों में जलोढ़क और अवसादों की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, ये दूसरा। तीसरा कारण देख लीजिए, ठीक, जब ये घटना हो रही थी इसी काल में क्या हुआ, ये जो प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक, इसी काल में ये जो प्रायद्वीपीय खंड है ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुका हो गया, किन्हीं आंतरिक कारणों की वजह से, ठीक, क्या हुआ, किन्हीं आंतरिक कारणों की वजह से, किन्हीं आंतरिक कारणों की वजह से, आंतरिक कारणों से प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड क्या हुआ, का झुकाव उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो अपवाह तंत्र का विकास हुआ उसको अपवाह तंत्र किस ओर उन्मुख है, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है, ये जो अपवाह तंत्र है ये बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं यहाँ पे बड़ी वो सारी अपना नदी जल कहाँ ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करते हैं, ठीक है, ये उसके पीछे के तीन कारण थे। अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है कि भाई प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास की चर्चा करें या उसके विकास की चर्चा करें, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की मुख्य नदियों के बारे में जानकारी देते हुए आप इसको मतलब इसको समझाएं या लिखें, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप अगर आता है प्रायद्वीपीय अपवाह प्रायद्वीपीय तंत्र का उद्विकास तो आप उसको लिख सकें, उसको आप आसानी से अपना आंसर बना सकें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पहले मैं नदियों को मार्क कर दूं, ये जो है ये है हुगली, हुगली रिवर, ये जो है ये है दामोदर, ठीक, ये है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, ये है महानदी, ठीक है, गोदावरी, ये है कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पैगई, ठीक है ना, ये यहाँ पे है माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, ठीक, सारा ये आपको मैप बनाना है, सारी नदियाँ मार्क करिए मुख्य और आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिए मैप को, ठीक है। एक और, अच्छा इसमें एक और रह रही है पेरियार, ये है पेरियार, पेरियार, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ठीक। इसमें पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखिए जो आपके आंसर लिखने में हेल्प करेंगे, वो आपके लिए ज़रूरी भी है। पहला पॉइंट कि प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है, पहला पॉइंट, या आप सीधा लिख सकते हैं बिना पॉइंट के कि प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है, पहला। दूसरा, पश्चिमी घाट, यहाँ पे कौन सी संरचना है, पश्चिमी घाट, अगर पहले के वीडियोस देखे हो तो पता होगा आपको यहाँ पे पश्चिमी घाट श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जल विभाजक के रूप में है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मुख्य जल विभाजक है, ऐसे भी लिख लीजिए। आगे, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल पूर्व या दक्षिण पूर्व, प्रायद्वीपीय
पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का कुछ भी लिख सकते हैं, का सामान्य ढाल पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, अगला लिखिए। ठीक है, अब सारा आपको लॉजिक पता चल रहा है। मैंने जब उद्ध विकास बताया था तो आपको यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, आपने सारा कुछ समझ लिया है, उसके बाद ही मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला पॉइंट यही है, अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार आदि नदियों को देखा जा सकता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, जो पहला पॉइंट था ना, कि अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी आदि, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, इसका कारण इन नदियों का भ्रंश घाटियों से होकर बहना है। ठीक है ना, या प्रवाहित होना है। इसका कारण इन दो नदियों का भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होना है। अब मैंने बताया था भ्रंश घाटियों का निर्माण कब हुआ था, किस वजह से नदियाँ इस ओर बह रही हैं, क्योंकि भ्रंश घाटी में बह रही हैं। और भ्रंश घाटी कब उसका भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, ये हुआ था हिमालय के उत्थान के क्रम में ही। ठीक है ना, तो ये आपने लिख लिया इसमें, प्रायद्वीपीय भारत के अपातंत्र में आपको इतना लिखना है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हुगली नदी, मैंने बताया था, अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ देखे हों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पूर्व, यह है बांग्लादेश, यहाँ जाने से पूर्व दो वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी जो मुख्य नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है और एक वितरिका दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो ये वही है, ठीक, हुगली नदी, फिर से बता दिया। आगे देखिए, आप हेडिंग डालिए दामोदर। मैं एक एक दो दो पॉइंट जिसमें जितना इम्पोर्टेंट बन सकता है सारा आपको वन बाय वन लिखा देता हूँ, सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप कहीं पे भी क्वेश्चन बने तो आप लिख सकें उसे, या प्री में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसे बता सकें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजनाएँ चल रही हैं, उसको हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियोज़ होंगे या उसको सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी परियोजनाएं जो भी हैं वो मैं अलग से आपको बता दूंगा वन बाई वन, तो सारी परियोजनाएं भी कवर हो जाएंगी। अभी आप हेडिंग डालिए दामोदर नदी, दामोदर। ठीक, ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। तो यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। बस इसको अब इसमें आपको दो लाइन लिखना है, यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा। ये भी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसमें लिख सकते हैं आप, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड के रांची, और सिंहभूम जिले से बहते हुए। ठीक, अभी मैं बताऊंगा सिंहभूम का एक लिए फेमस है, रांची ये वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आप सारा कवर करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में एक बात बताई थी कि मैं आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट ऑफ कवर करा दूंगा, बाकी वर्ल्ड मैपिंग में कवर होगा। तो जब आप दोनों को कंप्लीट स्टडी तभी मानी जाएगी, आपकी संपूर्ण अध्ययन तभी माना जाएगा जब वर्ल्ड मैपिंग की क्लास और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास दोनों का आप स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। ठीक है, तो
तो स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर रांची और झारखंड के रांची और सिंहभूमि जिला से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको इसमें लिखना है। अगला देखिए कौन सी है, महानदी। अगली हेडिंग डालिए महानदी। ठीक, ये कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, रायपुर जिले में सिहावा के निकट से, सिहावा के निकट, ठीक है, निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए, ये देखिए उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। उड़ीसा से बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 851 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको महानदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, अगला देखिए गोदावरी। हेडिंग डालिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, ठीक, देखिए गोदावरी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तीन चार पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना ही है। पहला इसमें ये कि यह है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और इस नदी का अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। ठीक है, और गोदावरी नदी का क्या है? ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में अपवाह तंत्र की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह तंत्र की दृष्टि से, अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक, यानी कि अपवाह तंत्र सबसे बड़ा, इतना नहीं लिखना हो तो एक लाइन में लिख लीजिए अपवाह तंत्र सबसे बड़ा, प्रायद्वीपीय भारत में अपवाह तंत्र सबसे बड़ा। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई, चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर लगभग, 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी आयु, आकार और प्राचीन, ठीक है ना, इन सब की वजह से क्या है भाई इसका, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण की गंगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। एक और इसमें लिख लीजिए वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें, सहायक नदियां, उनको भी थोड़ा सा लिख लीजिए कि सहायक नदियों में जो है वो है पेन गंगा, ठीक है, इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक है, मंजरा आदि। ठीक, और गोदावरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है यानी कि ये वाला, इसमें नौगम्य क्षेत्र है, पूरा नौगम, मतलब आप यहाँ नाव वगैरह चला सकते हैं। ठीक है, नौ संचलन क्षेत्र है इसका, गोदावरी का जो निचला क्षेत्र है या डेल्टाई क्षेत्र है वो नौगम्य है। आप ये आखिरी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, गोदावरी नदी। ठीक है, आगे देखिए अगला, अगली हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा,
पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में, गोदावरी भी पूर्व की ओर बह रही थी, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी। तो आप ऐसे लिखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लिख लीजिए दूसरी लंबी नदी। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको क्या लिखना है कि प्राय पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और तुंगभद्रा और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? तुंगभद्रा और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1401 किलोमीटर है। कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए पेन्नार। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो लाइन लिख लीजिए। ये उत्तरी कर्नाटक के निकट नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। उत्तरी कर्नाटक में कहाँ से? उत्तरी कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। आपको पेन्नार में लिखना है। अगली हेडिंग होगी आपकी कावेरी नदी। अगली कौन सी है? कावेरी। कावेरी के बारे में भी दो पॉइंट लिख लिए। कर्नाटक राज्य के कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में दुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। लंबाई कितनी है? वो कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर है। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जानना है, ठीक है। अगला है बेगाई। तो बेगाई के बारे में आप एक लाइन लिख लीजिए कि ये मदुरई जिला के वर्षानंद पहाड़ियों से निकलती है। वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ये आपको इसमें लिखना है। ये तो थी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, मुख्य नदियाँ। अब हम लिखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जिसमें जो फर्स्ट है वो है साबरमती नदी, ठीक है। आपको एक काम दे रहा हूँ, आपका काम ये है कि आपको एटलस में आपको नदियों के किनारे बसे मुख्य शहरों के नाम लिखने हैं। जितनी यहाँ पे नदियाँ मैंने बताई हैं, इन नदियों के किनारे बसे मुख्य शहर, इनकी जानकारी आपको अपनी राइट डाउन करके रखनी है, जो प्री के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकती है। बता दिया है मैंने, याद रखना है। क्या करना है आपको कि जितनी नदियाँ हैं ये सारी, इन नदियों के किनारे पे बसे हुए प्रमुख शहरों के नाम आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। चलिए साबरमती नदी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है भाई? उद्गम सबसे पहले तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणियों से, साबरमती नदी है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणियों से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात
से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। एमपी, राजस्थान और गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, ठीक। अगली हेडिंग डालिए माही। माही, माही जो है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के पश्चिम पश्चिमी भाग में एक झील है मेहद। कौन सी झील है? मेहद झील, वहाँ इसका उद्गम। कहाँ से निकलती है? मेहद झील से निकलती है। और यह भी कहाँ से? मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, इन तीनों राज्यों से होते हुए कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। उसी में आइए आगे लिख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगली हेडिंग डालिए नर्मदा। नर्मदा, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से प्रमुख, ठीक है। इसका उद्गम जो है वो एमपी में, कहाँ पे है भाई? एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी से है। अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। कितनी ऊंचाई से? लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम है, ठीक है ना। और ये कहाँ? गुजरात के गुजरात में कहाँ गिरती है? भरूच के निकट, कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। गुजरात में भरूच के निकट, भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी नर्मदा नदी की लंबाई भी लिखिए, लगभग 1312 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये क्या करती है? जबलपुर के निकट, नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ये भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, उसे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। जबलपुर में भेड़ाघाट के निकट संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं, ठीक है। बाकी हम एमपी जीके में अलग से पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, अभी तो आपको इतना लिखना ही है। अगली हेडिंग डालिए तापी। ये भी पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी, लिख लीजिए तापी, पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी, ठीक है। एमपी के बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। एमपी के बैतूल जिले में मुलताई से, ठीक है ना, मुलताई से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है? ये भी कहाँ? भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। और गुजरात में कहाँ गिर जाती है? गुजरात में सूरत के आगे, सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको तापी में लिखना है। और एक और है पेरियार नदी, ये है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। इसके बारे में भी थोड़ा सा दो तीन लाइन लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पेरियार नदी, क्या है भाई इसमें इम्पोर्टेंट? केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी। मैं यहाँ लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा मैं आपको। समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से, यहाँ से अन्नामलाई की पहाड़ियों से, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और बेम्बानंद झील, ये जो है ना बेम्बानंद झील के उत्तर में अरब सागर में मिलती है। यहाँ पे अरब सागर है, कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में, लेकिन कहाँ पे? बेम्बानंद झील के निकट, बेम्बानंद झील के निकट अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना।
केरल की दूसरी बड़ी नदी है लेकिन केरल की सबसे लंबी नदी भी यही है, केरल की सबसे लंबी। ठीक, अब मैं लंबाई की अगर बात कर रहा हूँ, लंबी नदी, तो इसका मतलब है मैं उसकी किलोमीटर में बात कर रहा हूँ कि कितनी किलोमीटर है लंबाई उसकी। लेकिन अगर मैं बड़ी नदी की बात कर रहा हूँ तो उसकी अपवाह, उसके जलग्रहण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं उसके अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ, उसकी सहायक नदियों को मिला के, तो वैसे में वो कितनी है, दूसरी है केरल में, और लंबाई में सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी केरल की, लंबी यानी कि किलोमीटर में और बड़ी यानी कि उसके अपवाह दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, अब हमारा इसमें एक और पॉइंट रह रहा है, वो है हिमालय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दोनों की तुलना। ठीक है ना, तो हमें तुलना करना है हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इसकी हम अगले पार्ट में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर तो बोर भी हो जाओगे, क्या फ़ायदा है, बोर होने की ज़रूरत है नहीं हमारी क्लास में, भले ही 10 मिनट कराएं तो अच्छे से कराएं, या 40 मिनट भी चले वीडियो, एक घंटा चले तो अच्छे से चले, बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम और आगे आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो ये जो अगला टॉपिक है हमारा, क्या है भाई अगला टॉपिक जो है वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको तुलना करते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।